किडनी फेल हो जाती या लीवर में ऑपरेशन हो जाती माने दिक्कत आ जाती तो नरेंद्र मोदी जी 5 लाख रुपया एक वर्ष में ओ कार्ड से अपना खर्च कर सकी थी या मेत्री योजना बनाई। अबे वर्तमान में जौन समर्थन मूल्य है धान के ओका 2100 कह देगा, गेहूँ के समर्थन मूल्य 2700 बढ़ा के कह देगा, किसानन के खातिर जौन किसानी के काम करत हवा और वो किसानन का किसान सम्मान निधि के नाम पर भारतीय जनता पार्टी सम्मानित कर लगी। अब संबल कार्ड योजना अलग है, लाडली लक्ष्मी एक योजना है, जब बच्चियाँ पैदा होती है तो पैदा होता है लखपति 18 वर्ष की जब हो जाए तो उनका जो है एक मुफ्त चेक या राशि प्राप्त होती। लाडली बहना जब वर्तमान में चल रहा है अपना लोगों का लाडली बहना वाला सहायता राशि प्राप्त होती हुई वो पैसा की अपना लोग उपयोग अपने बच्चन की पढ़ाई लिखाई के खातिर या अपने घर में मजबूती से उपयोग कर सके थे कि कौन चीज़ की अगर आवश्यकता पड़ गए तो केहू के सामने हाथ फैलावे की आवश्यकता नहीं आए। घरे में कब कब यह हो जाते कि चाहे लागे यह चीज की आ जाए लेकिन जो था वह चीज़ नहीं हो पावे। कब यह सोचे रहें कि माने बैंक से हमार जुड़ाव हो जाए, बैंक में खाता खुल जाए और बैंक में पैसा हो जाए। पहले कहा कि 0 बैलेंस में जब नरेंद्र मोदी जी खाता खुलवाए 3 लाख के हम पैसा खुला जी, खाता तो खुला जाते हैं बनी मजदूरी करे जिंदगी भी तला जी देमो पैसा कहाँ से आई। अब वही बैंकन में पैसा डायरेक्ट ऊपर से सहायता नरेंद्र मोदी जी शिवराज सिंह चौहान जी भारतीय जनता पार्टी देव शुरू कर दिए। अपना यार की जुग में केहू से 1 रुपया मांग के देखी वो टेढ़ हो जाता, चाहे भाई परिवार से या केहू से मांगी जरूर अपना पैसा दे के केहू तैयार नहीं आई। अब उस सहायता राशि अपना के बैंक में सीधे डायरेक्ट चावल लागी और वह पैसा केहू निकाल ही नहीं सके। अपना जब बैंक में जा जो बैंक के मैनेजर लोग सामने जब पूछी अपना हस्ताक्षर करी या कि अंगूठा लगाई वह अपने के नाम पर अपने के हाथ में पैसा मिली। पहले यह डर रहा कि केहू दूसरे का दिन जाए तो पहुँचत हुआ फिर आधा तीहा हो जाता। यह मेरे के भारतीय जनता पार्टी की योजना है, हमार अपना लोगों से निवेदन है जौन या मेरे के आर्थिक सहायता जैसे जौन गर्भवती महिला उनका 16,000 रुपया प्राप्त होती। सामूहिक कन्या विवाह की योजना एक थे उमर शिवराज सिंह चौहान जी सामूहिक कन्या विवाह के आयोजन कर रहा है। अब ये योजना का के चाहिए कि अपना लोगन के जो फोकट के पैसा आ रहा है सहायता आ रही है का ये चाह के यह बंद हो जाए, अगर नहीं चाहे लागे कि बंद हो जाए तो कमल के अलावा फिर कौने दूसरे चिन्ह के बारे में सोचा ही नहीं आए कि जे हमका टाटी पर्सल लाग है ओके साथ हमका जो है तो साथ निभावे का है। हम यहाँ पर आए हैं नरेंद्र हमारा नाम है, रखुआ में हमारा जन्म स्थान है पंडित रखुआ, रीवा में हम रही थे संजय नगर में वहाँ हमारा निवास है, पढ़ाई लिखाई वहाँ है, पिताजी चार विभाग में रहे और सामाजिक और राजनीतिक जीवन से हम जुड़े रहें। अब भारतीय जनता पार्टी हमका चुन के ले आके अपना लोगों के झोली में डाल दी। अब अपना लोगों से यह आशीर्वाद मांगी थे कि अपना लोग 17 नवंबर का कमल चुनाव चिन्ह वाली बटन में अपना लोग अपना आशीर्वाद दे के यह नाव का पार करके भोपाल तक पहुँचाई। जब यह नाव भोपाल तक पहुँच गई तो वहाँ विधानसभा में हम यहाँ लोगों के क्षेत्र के बातन का मुस्तैदी से रक्षा के खातिर मजबूत हो कि हम जो नेता विधानसभा बनगवा से हमका इन लोग भेजी हूँ और यहाँ के यह क्षेत्र की समस्या है या माने सड़क बिजली पानी प्रधानमंत्री आवास गाड़ी मैंने जितनी भर योजना है उनका लड़ाई लड़ाई के खातिर हमारी ताकत मजबूत हुई। इतनी बात कहे की खातिर हम अपना लोगों के बीच में यहाँ पर आए रहें, आगे वो मैं विचार में सभा लगी है वहाँ लोग ताकि हम फिर जय हिंद जय भारत जनता के बीच में जा रहे हैं। सर्वप्रथम तो आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। मैं भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार नरेंद्र प्रजापति लोगों के बीच में जा रहा हूं और बहुत ही उत्साह है लोगों के बीच में, अत्यंत उत्साहित हैं। और जहां तक मुद्दों की आपने बात की तो भारतीय जनता पार्टी के पास इतनी सारी योजनाएं हैं, इतने मुद्दे हैं, उन्हीं मुद्दों को लेकर के मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ। जैसे कि प्रधानमंत्री आवास हो गया, आयुष्मान कार्ड हो गया, लाडली बहना की जो योजना चल रही है, लाडली लक्ष्मी की योजना चल रही है, अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो है धान का जो समर्थन मूल्य है उसको 3100 कर दिया और गेहूं का 2700 कर दिया गया।
ये सारी बातें लेकर के मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ। अभी तक में जनता का सहयोग कैसा मिल रहा है आपको? जनता का सहयोग अगर आप ये घुमा सके चारों तरफ जी, तो इसे भी आप घुमाइए, और लोगों का हुजूम जो जिस प्रकार से यहाँ पर मरना में भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 नारायण भैया संघर्ष करो, लोगों का हुजूम और उत्साह जो है देखने को मिलता है, ऐसा आप यहाँ पर मरना भी देख रहे हैं। अन्य जगह जहाँ भी आप जाएंगे, मेरी फेसबुक अगर आईडी को आप लिंकअप कर पाएंगे तो सारे जगह की आपको उत्साह और जो है उल्लास आप सभी को देखने को मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।